अस्सलाम वालेकुम मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूँ अली मुमताज़। नाज़रीन, आज का दिन एक और अफसोसनाक दिन, एक और परेशान कुन दिन, एक और दिल दहला देने वाला दिन कि जब हमने ऐसे वाक़यात की खबर सुनी और उन वाक़यात को लेकर हमने वो मनाजिर देखे कि जिसके बारे में हम हमेशा ये दुआ करते हैं कि हमें ये सब देखने को ना मिले। कहीं पर कुछ भी और होता है, वो चलता रहता है, रूटीन का मामला है, पर कम अज़ कम ये सब ना हो और हमारे मुल्क में ना हो, जहाँ पर हम कहते हैं कि हमें दूसरों का दर्द है, हमें दूसरों का एहसास है, हमें दूसरों की फिक्र है, हम अपने लिए नहीं जीते, हम दूसरों के लिए जीते हैं, वहाँ पर भी ऐसी ऐसी इर्रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, गैर जिम्मेदाराना रवैये, नालायकियाँ और अदम तवज्जो की वजह से लोग अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठ रहे हैं, अपने प्यारे लोगों से बिछड़ रहे हैं, माओं की गोदें उजड़ रही हैं। आज ही का वाकया कि जिसमें शिकारपुर का एक नौजवान, एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सिसक सिसक के अपनी जान से हाथ धो बैठा, सिर्फ इसलिए कि वहाँ लाड़काना में बेनजीर भुट्टो शहीद अस्पताल में वैक्सीन नहीं थी कुत्ते के काटने के खिलाफ। इस वैक्सीन के लिए सिर्फ उस हॉस्पिटल में नहीं जाकर कोशिश की गई, बल्कि उस हॉस्पिटल तक जाने से पहले और भी दीगर जगह पर मालूम किया गया और बाद में इंतजामिया ने यह एतराफ किया कि इजला में, वहां पर दीगर इजला में इस वैक्सीन की कमी है और कुत्ते के काटने पर जो वैक्सीन दरकार है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। बाद में गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उस पर वजाहतें दी गईं, कहा गया कि जी ताखीर से लेकर गए, ईद से पहले यह वाकया हुआ था, पहले ले जाते तो कोई ट्रीटमेंट हो जाती। जब आपके पास वैक्सीन ही नहीं है तो फिर आप ये ईद से पहले, ईद के बाद देर से लाए, पहले लाए, अस्पताल के सामने वहां पर पहुंच कर ये सब हुआ, इससे ज्यादा दुख की और परेशानी की बात आखिर क्या हो सकती है। दूसरी जानब कसूर का वाकया कि जहां पर तीन बच्चों की लाश मिली और उनमें से एक के पोस्टमार्टम के बाद ये तस्दीक हुई है कि बच्चे के साथ बदफेली हुई, इंतजामिया हरकत में आई, पंजाब गवर्नमेंट हरकत में आई, वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से डीपीओ को हटा देने के अहकाम हुए, उनको हटा दिया गया है, एसपी को चार्जशीट कर दिया गया है, डीएसपी को, एसएचओ को मुअत्तल कर दिया गया है। ये बरतरफियां, सस्पेंशन, ये पहले भी होती आई हैं। सन 2015 में हमने देखा कि हुसैन खान वाला का वाकया कसूर का वाकया, नन्नी जैनब का वाकया कसूर का वाकया, और नन्नी जैनब के वाकये के बाद के जब उस वक्त गवर्नमेंट पीटीआई की नहीं थी, पीटीआई के तमाम एमपीएस, एमएनएस जिनका ताल्लुक पीटीआई से था, जिसने अपनी तस्वीरें खिंचवानी थी, जिसने अपनी वहां पर हाजिरी लगवानी थी, वो वहां पर मौजूद थे, वहां पर जाकर उन्होंने अफसोस का इजहार किया और वहां पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि जी आइंदा ऐसे नहीं होना चाहिए। मुझे पीटीआई के बहुत से चेहरों में से एक मियां महमूद रशीद साहब का चेहरा आज भी मेरी नजरों से वो सीन गुजरा है कि जब वो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने जाके फिर मीडिया से बात करते हुए फैमिली को सपोर्ट किया और कहा कि जी इस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन क्या एक्शन हो रहा है कि आज फिर वैसे ही वाकयात हमें देखने को मिल रहे हैं, वही इलाका है और वजीर आजम साहब की तरफ से कहा गया है कि जी इसके ऊपर पुलिस को ठीक किया जा रहा है और कसूर की पुलिस को ठीक किया जा रहा है। क्या पुलिस को ठीक करना है, अब ठीक करना है? हम रिएक्टिव क्यों हैं, हम प्रोएक्टिव क्यों नहीं हैं, हम बाद में जाकर क्यों हिलजुल करते हैं, हम पहले हिलजुल क्यों नहीं करते, हम एक वाक्य का होने का इंतजार क्यों कर रहे होते हैं? ये टिपिकल अप्रोच हमारी कब तब्दील होगी? बातें तो बहुत सी की थी, नारे तो खूब लगाए थे, लेकिन जब हुकूमत में आए हैं तो आकर वही अंदाज के जिस अंदाज पे दूसरों को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। इन तमाम डेवलपमेंट्स के साथ पॉलिटिकल साइड पर हमने देखा कि खुर्शीद शाह साहब को, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, नैब ने गिरफ्तार किया है और ये आमदन से बढ़ के असासाजात का मामला है कि जिस पर उनको गिरफ्तार किया गया है। आज के प्रोग्राम में हम मौजूद मेहमानों से इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमें आज के प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पीएमएनएन से हमें ज्वाइन किया है हिना परवेज भट्ट साहिबा ने, आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। और हुक्मरान जमात पीटीआई से हमें ज्वाइन किया है शौकत बसरा साहब ने। हम आज के प्रोग्राम में मौजूद मेहमानों से आज के इन इश्यूज को लेके गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले नाज़रीन हमें लेनी है एक ब्रेक, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करते हैं और जिन इश्यूज को प्रोग्राम के आगाज में इब्तदाई में हमने हाईलाइट किया है, वहीं से बात का आगाज भी करते हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपकी जमात की हुकूमत गुज़श्ता 10 साल और ये एक साल का मिला के अरसा 11 साल से हुकूमत में है सिंध में,
और लाड़काना हल्का इंतखाब है, वहाँ से पीपल्स पार्टी का अंदरून से इनसे क्लीन स्वीप करती है पीपल्स पार्टी। और कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, लेकिन वहाँ पर लोगों के हालात क्या हैं वो आपके सामने। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, एक वाक्य से हालात को एकदम से जो भी चाहे जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे। बहरहाल जो मामला रहा है इस बच्चे का, उसे जब लेके आया गया, असल में उसे 40 दिन हो गए थे और फौरी तौर पे उसकी वैक्सीनेशन के लिए उसके पेरेंट्स उसे नहीं लेके गए। जब लड़का ना लेके गए हैं तो उस वक़्त उसके अंदर जो सिम्टम्स थे इसके हाइड्रोफोबिया के, वो बहुत ज़्यादा थे और इन्फेक्शन इतना बढ़ चुका था कि डॉक्टर नूरुद्दीन जो वहाँ पे इंचार्ज थे, जिसने बच्चे को ट्रीट भी किया, तो उन्होंने समझा कि इस वक्त ऐसे वैक्सीनेशन नहीं दी जा सकती। बहरहाल वहाँ पे अवेलेबल थी एवीआर, तो मैं नहीं समझता नहीं, लेकिन ये रिपोर्ट्स यही चली हैं कि वहाँ पर मुख्तलिफ अज़ला में वैक्सीनेशन नहीं है दस्तयाब। कुत्ता अगर काट ले तो उसके लिए जो वैक्सीनेशन दरकार है वो नहीं। की इस वक्त भी जो हेल्थ डिपार्टमेंट की वहाँ से जो आई है रिपोर्ट 5,000 के करीब, और अगर 30 डिस्ट्रिक्ट में 100-100 के हिसाब से भी हों तो 3,000 चाहिए, लेकिन 5,000 के करीब मौजूद हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसे बताया भी है लोगों को, लेकिन बहरहाल इस वाक्य को हम इसमें ब्यूरोक्रेटिक मैं नहीं लेना चाहता, इंसानी मामला है। तो कुछ मामला ऐसे भी हैं कि पेरेंट्स भी इलाज के लिए वक्ती तो वक्त पे उसे नहीं लेके गए हैं, लेकिन बहरहाल हुकूमत की जिम्मेदारी प्रोवाइड करना है, वहाँ पे डॉक्टर हो, वहाँ पे मेडिसिन हो। अब ट्रीट किस तरह करना है ये डॉक्टर्स ने करना है, इसमें आप एकदम से गवर्नमेंट को तो नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया वो नहीं किया। अब ट्रीटमेंट तो किसी मिनिस्टर ने जाके नहीं करनी, वो तो डॉक्टर ने करनी है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर ने फौरी तौर पर एक्शन लिया है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत हैं, उस पर देखा जा रहा है कि अगर किसी भी किस्म की नेग्लिजेंस डॉक्टर्स की जानिब से होगी तो आप याद रखें कि ये कभी नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी इस पर नोटिस नहीं लेगी। लेकिन अगर इस चीज़ को देखें कि एवीआर भी वहाँ पे मौजूद थी, डॉक्टर साहब भी मौजूद थे, लेकिन बच्चे को ये जो काटा था उसने कुत्ते ने, 40 दिन पहले की बात थी, और इन्फेक्शन बढ़ गया उनकी एक इग्नोरेंस की वजह से एक जानी नुकसान हुआ, और अभी भी बच्चे को डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वहीं पे रखे, लेकिन पेरेंट्स का वो इंसिस्ट कर रहे थे कि हमें कराची लेके जाना है, जिसे उस वक्त उसे शिफ्ट किया जा रहा था एम्बुलेंस में, जो ये वीडियोस आई हैं माँ की गोद में था, तो उस दौरान ये सारा हुआ। लेकिन एक अफसोसनाक वाकया है, लेकिन अली भाई एक हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान पूरा हो, वो सिंध हो, वो पंजाब हो, मैं आपको पंजाब लाहौर के बहुत से हॉस्पिटल दिखाता हूँ जहाँ पर लोग बेचारे किन हालात के अंदर रह रहे हैं। तो एक मसला तो है कि हमारे वसाइल उतने नहीं है, या वसाइल का रुख उस तरफ नहीं है जिस तरफ होना चाहिए, तो इसमें तो मैं खुद आम आदमी हूँ। दूसरा ये भी है कि गवर्नमेंट को अगर हम इल्जाम उसके लिए गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा भी दें, लेकिन फिर गवर्नमेंट को सिर्फ ये तो करना चाहिए कि हॉस्पिटल में जो रवैया है, जिस तरीके से लोगों के साथ सरकारी अस्पतालों में डील किया जाता है, उसको भी इम्प्रूव किया जाए। तो बिल्कुल करना चाहिए जी, उसके बगैर। और कुछ चीजें मेरे ख्याल से हमारी सोसाइटी के अंदर खुद से हमें भी सिखाना है। डॉक्टर्स, जब डॉक्टर कोई बनता है कहता है जी मैं डॉक्टर बनूंगा, दुखी इंसानियत की खिदमत करूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ अब हर पेशे के साथ इसे कमर्शियली जिस तरह एक बना दिया गया है, तो ये भी एक वो टीचर्स हों, वो ये हों, लॉयर्स हों, मेरा प्रोफेशन हो या आपका प्रोफेशन हो, तो मेरे ख्याल से एक समाज को बतौर समाज भी हमें सोचना है कि एक आम आदमी, एक दुखी आदमी जब आपके पास आता है तो आपको उसे कैसे ट्रीट करना है, ये भी एक हमारी मेरे ख्याल से। हिना साहिबा, आपकी क्या ओपिनियन है? पीटीआई ने, इमरान इस्माइल साहब ने, गवर्नर सिंध ने तो सीधा साधा उन्होंने कहा है कि जी ये तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट कसूरवार है। आप भी क्या ये समझती हैं कि गवर्नमेंट का ही कसूर है या ये गलती पेरेंट्स से हुई है, जैसा कि अभी आमिर हसन साहब फरमा रहे थे? देखिए, हम मुझे लगता है कि हमें इस तरह के इश्यूज को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बिकॉज इस वक्त अगर उस बच्चे की डेथ हुई है, दैट्स अ 10-year-old बॉय, तो ऑब्वियसली एक ये एंटी रेबीज की जो वैक्सीनेशन है, इट्स वैक्सीनेशन दैट शुड हैव बीन अवेलेबल इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और अगर ये नहीं अवेलेबल तो ये नेग्लिजेंस है ऑफ द गवर्नमेंट। पेरेंट्स की तो नेग्लिजेंस जो भी है, लेकिन वो दो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बच्चा गया और दोनों जगह वो वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं थी, हालांकि एंटी रेबीज की जो वैक्सीनेशन, इट्स असेंशियल वैक्सीनेशन जो होनी चाहिए थी। तो हम इसको पॉलिटिसाइज ना करें, इसको पीटीआई का इशू ना करें, पीपीपी की गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट का ना करें, यह हम सबका इशू है। अगर सिंध गवर्नमेंट, अगर सिंध में ये वैक्सीनेशन नहीं अवेलेबल, या पंजाब में कुछ होता है, या कसूर में वाकया होता है, तो हम एज पाकिस्तानी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, शायद हमने प्रॉपर अवेयरनेस नहीं की, शायद मीडिया ने भी प्रॉपर अवेयरनेस की, प्रॉपर प्रोटेस्ट नहीं हुए। तो ये चीज को हम देखिए, इट्स अ वेरी सैड थिंग दैट हैपेंड,
एंड इसको पोलिटिसाइज ना किया जाए. वैक्सीनेशन शुड हैव बीन अवेलेबल. और अगर अब इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं सिंध में जिसमें एंटी रेबीज की वैक्सीनेशन नहीं अवेलेबल, तो प्लीज उनको अवेलेबल करें. और अगर और भी प्रोविंसेस हैं जिनमें ऐसी वैक्सीनेशन नहीं अवेलेबल, तो वो करें. तो ये हम लोगों के लिए ये एक फर्स्ट स्टेप है लेने वाला. इस पे मैं सिर्फ एक बात करी भाई, अवेलेबल थी यही तो बताया कि वहां पे 100 हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अवेलेबल है. अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे अवेलेबल थी, लेकिन बच्चा जिस कंडीशन में गया, डॉक्टर्स हैं वो जानते हैं कि जब आपका इन्फेक्शन इतना बढ़ जाए तो फिर ये जो वैक्सीन है एंटी रेबीज देर से ले, ये काम नहीं करती. जैसे कि कहा कि इन्वेस्टिगेशन होगी, अब लेट्स होप कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और जो असल हकायक है वो सामने आए. शौकत बसरा साहब, आपकी गवर्नमेंट की तरफ से पीटीआई को रिस्पॉन्सिबल, आपकी गवर्नमेंट के अराकीन की तरफ से, गवर्नर सिंध की तरफ से रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को, आप ये सब सुनने के बाद अभी भी समझते हैं कि जिम्मेदारी इनकी है, गो के आपके अपने मामलात भी खासे मुश्किल में हैं और बहुत कुछ ऐसा है कि जिस पर आपको भी जवाब देना है अवाम को और लोगों को बताना है कि आप लोग कहां पर खड़े हैं इस मौजू को लेकर, आपकी क्या राय है, फिर आपके मौजू की तरफ आएंगे. देखिए अली भाई, बात यह है, कोई अगर मगर गागी के नहीं है. जहां भी ये वाकया हो, जहां भी जिस सूबे में भी हो, पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी हो, जो भी गवर्नमेंट है वो उसकी जिम्मेदार है. मैं समझता हूं कि इसमें कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है. हमें इस बात पे कहना कि वैक्सीन थी नहीं थी, वो जी पेरेंट्स को, मैं अभी प्रोग्राम में बैठा था तो पीपल्स पार्टी के दोस्त कह रहे थे कि वो लोग एजुकेट नहीं होते, वो कम तालीम याफ्ता होते हैं, जिस वजह से उन्हें पता ही नहीं था किस तरह ट्रीट करना है. भाई तालीम भी तो आपने देनी थी सूबे में, सेहत भी आपने देनी थी, पीने का साफ पानी भी देना था. तीन चार आपकी हुकूमतें रहीं तो बेहतर. मैं कह रहा हूँ हमें डिफेंड करने की बजाय जो बात गलत है हमें उसको एडमिट करना चाहिए और हमें ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसके ऊपर इन फ्यूचर हमें देखना चाहिए. वो बच्चे मेरे बच्चे हैं, वो कौम के बच्चे हैं, वो जहां भी हो, मैं फिर कह रहा हूँ वो कहां कहीं भी ऐसा मामला हो तो उसके ऊपर हमें संजीदगी के साथ एक दूसरे को बजाय कि हम ये कहें कि जी नहीं वो गलत है ये सही है, हमें सिर्फ ये करना चाहिए कि जो जिम्मेदारान है, जो जिम्मेदारान है, देखें वो डॉक्टर है, वो मिनिस्टर है, वो सीएम है, वो पीएम है, कोई भी अगर जिम्मेदार है तो मैं समझता हूँ उसको अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए. और उसके और प्रॉब्लम हमारे ठीक है, तो अगर इतना ही आसान है जिम्मेदारी कबूल करना जी. शौकत बसरा साहब, जैसे आपको पता है कि अभी पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में डेंगू दोबारा विजिबल हो गया है. 5 लाख मैं वही कह रही हूँ की 3 से 5 लाख डेंगू पे हो गए. अली भाई को सवाल करने दे जी. हिना जी जी, शौकत बसरा साहब मेहमान ही रहे तो बेहतर है जी. शौकत बसरा साहब मेहमान ही रहे तो बेहतर है. सवाल आजकल लगता यही है की हर तरफ से हर राह चलता भी पीटीएससी सवाल करता है, तो हिना साहिबा ने शायद इस वजह से सवाल करना मुनासिब समझा. लेकिन आपके अपने मामलात भी कुछ ऐसे ही चल रहे हैं, आपने कहा जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए, तो आपके प्रोविंस में पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, पंजाब में कितने इश्यूज हैं? अभी ये सलाउद्दीन वाला वाकया रहीम यार खान में हुआ, उसके बाद एक डॉल्फिन पुलिस को लेकर वीडियो मंजरे आम पर आई, फिर और दीगर कई जगहों पर कई चीजें रिपोर्ट होती जा रही है. लाहौर शहर में, हाउ कैन आई फॉरगेट कि लाहौर शहर में अभी का वाकया है कि वहां पर किस तरह से जो है पुलिस एहलकारों ने एक शख्स को लाते मारी और अब ये कसूर का वाकया है. तो आप लोग पहले तो बहुत बढ़ चढ़ के बातें करते रहे हैं, जाके तस्वीरें बनाते रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे हैं कि जी बड़ा जुल्म हो गया, बड़ी गलती हो गई, अब आपके दौर में भी वही हो रहा है. अली मुमताज, मैं फिर कह रहा हूं कि हम गवर्नमेंट में हैं, पंजाब में हैं, हम मरकज में हैं, हम बलूचिस्तान में हैं, जहां भी कोई वाकया ऐसा होता है हम जिम्मेदार हैं. हमें ये उसको भागना नहीं चाहिए. मैं जिम्मेदारी आपके प्रोग्राम में बैठ के ले रहा हूँ. तो अगर आप जिम्मेदार हैं तो फिर डीपीओ को फारिग करने के बजाय अपने किसी मिनिस्टर को या अपने किसी अहदेदार को फारिग करें ना सर. अली मुमताज, मुझे थोड़ा सा मौका दे दें जी. मैं समझता हूँ जो कसूर वाला वाकया है वो आज जो अभी हुआ है, जिसके अंदर डीपीओ को फारिग किया गया है, एसपी इन्वेस्टिगेशन अंडर अरेस्ट है, डीएसपी और एसएचओ को फारिग किया गया है, हम वहां पर नए लोगों को ला रहे हैं, बड़ा ही दिलखराश बाइसे शर्मिंदगी है. वो जो मैं समझता हूँ ऐसी जो काली भेड़े हैं वो माथे से कलंक का टीका है, हुकूमत के भी, पुलिस डिपार्टमेंट के भी, सबसे बढ़कर बदनामी किसकी है. हम अपने एक पाकिस्तान में रह रहे हैं, एक इस्लामिक कंट्री है, हम बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ मदीना की रियासत का नारा भी हम लगाने वाले हैं, तो हमारे लिए ये बात शर्मिंदगी है. मैं इसको डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन आपकी तो पार्टी का अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि बोल देते हैं, बोलने के बाद सोचते हैं, पहले सोचते नहीं है, बोलने के बाद कहते हैं कि ये हमने क्या कह दिया, फिर वापस यू टर्न ले रहे होते हैं.
پھر اب آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ لفظوں کا کھیل، اس کو آپ ختم کیجئے نا۔ دیکھیں آپ کی پارٹی کے ہی لوگ سارے جا کے، جب وہ معصوم زینب کے ساتھ جو واقعہ ہوا تب آپ ہی کی پارٹی کے لوگ وہاں پر سب موجود تھے، جمع ہوئے تھے۔ پھر حسین خان والا کا واقعہ ہوا تب بھی آپ کے لوگ موجود تھے۔ قصور ایک ایسا ایریا ہے کہ جہاں پر یہ 2015 سے کیا، اس سے بھی پہلے میں نے خود جا کے وہاں پہ کئی پروگرامز کیے، وہاں پر ایشوز ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، آپ لوگوں کی ورکنگ ہی نہیں ہے، سو رہے ہیں آپ، کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے، حکومت کا شوق تھا بس وہ شوق پورا کر رہے ہیں۔ علی ممتاز، میں آپ کے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں، آج یہ جذبات پوری قوم کے ہیں، واقعات میں خاص طور پہ قصور والا واقعہ ہو، کراچی والا واقعہ ہو، آپ قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں میرا خود، ہمارا خدائی قسم سینہ پھٹ رہا ہے، میرا بھی 3 سال کا بچہ ہے، ہمارے بھی بچے ہیں، ماں بچوں والے ہیں سارے۔ بات میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، پھر سی ایم صاحب کا استعفیٰ ہونا چاہیے نا، آپ سی ایم صاحب کا استعفیٰ مانگتے رہے ہیں اپوزیشن میں کہ جی کوئی بھی واقعہ ہو گیا سی ایم صاحب استعفیٰ دے دیں۔ علی ممتاز، آپ صرف 1 منٹ دے دیں، میں آپ کو بالکل، میں اپنے نقطہ نظر اور اپنی گورنمنٹ کا نقطہ نظر پیش کرتا ہوں۔ پرابلم کیا ہے؟ بالکل ہم سے، ہماری حکومت سے توقعات بھی بہت ہے، ظاہر ہے کہ دو گورنمنٹ جو ماضی میں 40 سال رہی یا 70 سال جو نظام چلتا رہا، ایک مافیا کے خلاف، سٹیٹس کو کے خلاف ہمیں ووٹ پڑا۔ اب پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کو 1 سال ہوا ہے، 70 سال سوائے فاقوں کے، دھماکوں کے اور ڈاکوں کے علاوہ اس قوم کو کچھ نہیں ملا۔ اب وہ پولیس جس کو آپ نے ٹرینڈ کیا ہو 40 سال صرف اپنے مخالفین کو قتل کروانے کے لیے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، ماڈل ٹاؤن میں حاملہ بچیوں کو قتل کروانے کے لیے، اور پھر جب وہ قتل کر دیں ایسے ناسوروں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ان کو ان کے انجام سے بچانے کے لیے۔ اب میرے بھائی علی ممتاز، کوئی گیدڑ سنگھی نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر 70 سال یہ ادارے ٹھیک نہیں ہوئے ہیں، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہوئے، تو میرے بھائی ہمیں اتنا مارجن آپ ضرور سر سر مارجن کی بات تھا۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب کی طرف میں بات کو آگے موو کرتا ہوں، مارجن کی آپ بات کریں، اداروں کو آپ نے ٹھیک کرنے کے بجائے آپ سے وہ کنٹرول ہی نہیں ہو گئے ہیں، وہ اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، اپنی مرضی سے اپنی پالیسیز کو لے کے چل رہے ہیں، جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، وہ ان کو کوئی اس چیز کی فکر نہیں ہے، ڈر نہیں ہے کہ کسی کو جواب بھی دینا ہے۔ جی عامر حسن صاحب، میں یہ بات ہے، دیکھیں کتنے آرام سے ساری ذمہ داری کسی کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، 70 سال سے جی بری حکومتیں تھیں، 40 سال کی جو حکومتیں رہی ہیں فوجی حکومتیں، ایوب کی تعریف کرتے تو تھکتے نہیں ہیں عمران نازی صاحب، اس کے بعد یحییٰ کی تعریفیں، ضیاء کی تعریفیں، جنرل مشرف کی 95% کیبنٹ ان کے ساتھ ہے، لیکن 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، آپ نے پورے کرپٹ لوگ، پورے سٹیٹس کو کی ساری قوتیں آپ کے ساتھ ہیں، خود جو ترجمان صاحب یہاں پہ موجود ہیں، اب وہ جن جماعت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اسی جماعت کا حصہ رہے ہیں آخر تک۔ تو میرے خیال سے آپ پہلے اپنے نیریٹو کو کوئی بلڈ تو کریں نا، کوئی نیا بندہ آئے جو پہلی دفعہ حکومت میں آیا، وہ لوگ جنہوں نے بگاڑ پیدا کی ہیں، اب شیخ رشیدوں کی حکومت ہو جو 9ویں دفعہ منسٹر بنا ہے، خسرو بختیاروں کی حکومت ہو، عمر ایوبوں کی حکومت ہو، اور وہ بیٹھ کے یہاں پہ ہمیں بھاشن دے کہ پچھلی حکومتیں بڑی بری تھی۔ ارے بھائی، ہمارے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے زیادہ یہ کیبنٹ حکومت میں رہی ہے، یہ فوجی حکومتوں کا بھی حصہ تھی، یہ سول حکومتوں کا بھی حصہ تھی، انہوں نے ملک کا بیڑا غرق بھی کر دیا، اور آپ ادھر بیٹھ کے بڑے پرہیزگار بن کے ہمیں لیکچر دینے شروع کر دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جن باتوں کے اوپر آپ دوسروں کو جج کرتے تھے جب آپ کے آپ اپوزیشن میں تھے تو یہ واقعات ہوتے تھے، تو جو دوسروں سے آپ تقاضا کرتے تھے آج وہی کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں، ان واقعات کے اوپر نہ میں نے پہلے پوائنٹ سکورنگ کی نہ میں نے اب کرنا چاہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ پنجاب پولیس کے یکے بعد دیگرے جو واقعات 1.25 سال کے اندر، پہلے بھی پنجاب پولیس کا ریکارڈ بڑا برا رہا ہے، وہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہو، بعد میں ہو، انہوں نے ہمیشہ ایک ظلم و ستم رہا ہے پنجاب پولیس کا، پھر ان کے آنے کے بعد ساہیوال کا انسیڈنٹ ہے، یہ ابھی صلاح الدین والا انسیڈنٹ ہوا، آپ سارا دیکھیں پنجاب پولیس کا جو طریقہ کار ہے، اس کا کام بنی گالا کے جتنی رائل فیملیز، آگے ایکسٹینڈڈ فیملیز بھی جو ان کی ہے، انہیں پروٹوکول دینا ہے، اور یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں۔ اور دیکھیں آج بھی میں کہتا ہوں چیلنج کر کے، یہ باتیں تو بڑی کرتے ہیں، یہ بزدار صاحب کو بٹھائیں نا ٹرک کے اوپر عمران خان، اور لاہور سے چلنا شروع کریں، اور چلیں ذرا رحیم یار خان اور ادھر اٹک تک، اور لوگوں کو کہیں کہ یہ میرا وزیر اعلیٰ ہوگا اور اسے ووٹ کریں، تو میں دیکھوں گا کہ عمران خان بھی کاؤنسلر کا الیکشن نہیں جیتیں گے اور نہ بزدار جیتے گا۔ تو آپ نے وہ لوگ مسلط 11-12 کروڑ لوگوں کے اوپر کیے ہیں جو ایک کاؤنسلر کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں، اور آپ پھر باتیں کرتے ہیں ادھر بیٹھ کے، فلاں فلاں، 1.25 سال سے آپ حکومت میں ہیں، ابھی پچھلی حکومتوں کا یہ رودالی بن کے رونا رونا سیاپا کرنا چھوڑیں، اپنی پرفارمنس بتائیں۔ جی ہنا صاحب، دیکھیں علی، میں سمجھتی ہوں کہ اٹس اے فیلئر ایز اے سوسائٹی
कि हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, हमारे बच्चे अभी तक वल्नरेबल हैं. इट्स अ फेलियर ऑन अस ऑल लॉ मेकर्स रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पार्टी वी बिलोंग टू कि हम ऐसे लॉज नहीं बना सके कि हम इस तरह की ट्रेजडीज प्रिवेंट कर सके. हमारा फेलियर है एज सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स, हमारी पुलिस का फेलियर है, हमारी ये स्टेट इंस्टीट्यूशन का भी फेलियर है कि अगर अभी तक हमारे बच्चे जो हैं वो वल्नरेबल हैं ऐसे क्राइम्स के लिए. अब देखिए, मैं मुझे लगता है कि रादर देन जस्ट लाइक यू सेइंग कि DPO चेंज हो जाए, इट्स अ बिगर प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट्स. व्हाई ओनली कसूर? क्यों पहले 280 से लेके 300 बच्चे चाइल्ड पोर्नोग्राफी में थे? लाइक 400 वीडियोस ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी थी. और वो आपको पता है कैसे पता चला था? कि वो माँ बाप कहना शुरू हो गए कि बच्चे घरों से चोरी करते हैं. वो अपने घरों से चोरी करते थे क्योंकि वो ब्लैकमेल होते थे. तो ये हमारा फेलियर एज अ सोसाइटी. फिर ज़ैनब का केस आया और ज़ैनब के केस में उसको इतनी पनिशमेंट दी गई कि उसको हैंग किया गया, फिर भी हमने कुछ नहीं सीखा. और फिर अभी एक नया सलूशन आपकी नजर में क्या है? मुझे लगता है कि एज अ लॉ, एज अ हमें प्रॉपर लेजिस्लेशन चाहिए इस पे. ये वन टाइम इंस्टेंट नहीं है कि वन टाइम इंस्टेंट हुआ तो हमने DPO चेंज कर दिया या उसको कार तब्दील कर दो. इट्स वन मे बी देयर इज सो मच फ्रस्ट्रेशन इन द पीपल ऑफ कसूर. वी नीड टू रियली सी साइकोलॉजिकली व्हाट्स हैपनिंग इन कसूर इन दीज पीपल. मे बी दे नीड सम थेरेपी ऑफ ऑन साइकोलॉजिकल लेवल. Maybe they need some outlet. Maybe some frustration is there. Maybe the parents need to change something for the kids. Exactly. I don't know. We need to have a thorough emergency situation in Kasur to see what's wrong. Because this is a failure on us as a society कि हम अपने बच्चों को अभी तक prevent नहीं कर सके. बिल्कुल. तो मैं ये नहीं कहती कि ये PTI का कसूर है या हमारे ही time में हुआ तो हमारा कसूर है. हम one time चीज कर सकते हैं. तमाम lawmakers को अपनी responsibility लेनी चाहिए. हमारी lawmakers की responsibility है. As a civil society हमारी responsibility है. हम maximum protest करें इस पे, maximum awareness करें, media awareness करें, parents में awareness करें, अपने बच्चों में awareness करें. ये हमारी failure as a society है जब बच्चों को नहीं protect. जी शौकत बसरा साहब, आप पर मतलब आजकल हर तरफ से ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट पे बम्बार्डमेंट हो रही है. प्रॉब्लम्स बेशुमार हैं, कैसे हैंडल करेंगे? मुझे तो ये लग रहा है कि ये आपकी हिम्मत है, आप आज प्रोग्राम में आ गए हैं. वरना आजकल जो कुछ चल रहा है लगेगा यूं ही कि किसी दिन आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो प्रोग्राम्स में शिरकत करने से इनकार कर लिया करेंगे कि नहीं डिफेंड होता अब हमसे. क्या करें अली मुमताज? मुझे उम्मीद है मुझे भी इंटरप्टेड आप सुनेंगे. पहली बात तो मैं समझता हूँ कि आप तनकीद ब्राय इस्लाह कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है. तनकीद ब्राय तनकीद की बजाय हमने अगर कोई गलत किया है, मैं फिर कह रहा हूँ कि तहरीके इंसाफ से जो तवक्कुआत हैं वो जाहिर है इन माफिया से नहीं थी, चूंकि इनका तो एक अपना स्टाइल था. इन दोनों जमातों ने इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा, करप्शन की माल बनाया, पाकिस्तान गरीब से गरीबतर हो गया. सर, और ये खानदान गरीबतर हो गया. अली मुमताज प्लीज, अली मुमताज प्लीज, अली मुमताज मुझे मौका दे, आप इंटरप्ट ना करें. देखें आपने आप इंटरप्ट ना करें, मुझे मौका दे. मैं ये कह रहा हूँ, अभी मैंने जब बात की थी मैंने ये कहा था अली मुमताज, मैंने ये कहा था माजी में अगर आप सबक नहीं सीखेंगे तो मुश्किल में कैसे ठीक होंगे. मैंने आपको ये अर्ज की थी कि आमरियत हो या ये तीन तीन चार चार बारियां लेने वाली पार्टियां हो. मुझे साल तक तो पहले ये पता था कि जब मैं भी पीपल्स पार्टी में होता था, वैसे तो आजकल ये दोनों पार्टियां फोटो स्टेट है, एक को बुला लिया करें. यही दोनों पार्टियों से मैंने सुना था, यही कहते थे हम, और एक दूसरे को चोर भी कहते थे, कहते थे गद्दार भी हैं, ये भी कहते थे कि जन्नत इनके साथ जन्नत में भी नहीं जाना. तो मुझे अली मुमताज ये बताओ कि एक साल पहले तक एक दूसरे को मुआशी दर्द दहशतगर्द करने वाली पार्टियां आज किस तरह एक इल्जाम धर रही है दोनों सिर्फ और सिर्फ अपना माल बचाने के लिए, क्योंकि अब इनका मफाद इकट्ठा हो गया है. पहले इनको क्या तकलीफ थी, क्यों नहीं बातें करती थी? और दूसरी बात अली मुमताज, अब फर्क यह है कि पहले माजी में 126 दिन धरना देना पड़ता था मॉडल टाउन का पर्चा दर्ज करवाने के लिए, जिसमें वजीर आला और वजीर माजरत मुझे फिर आप बोलने में मजबूर कर देते हैं. सर सर मुझे माफ कर दीजिएगा, गुस्ताखी माफ. सर ऐसी बात आप करते हैं मुझे बोलना पड़ता है. प्लीज खुदारा मॉडल टाउन का जिक्र आप करना छोड़ दें. हुकूमत बन गई आपकी, मॉडल टाउन को आपने इस्तेमाल किया, हुकूमत बनाने की बन गई. मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि साने साहिवाल हुआ हमने फौरी मुलजमान को गिरफ्तार किया और उनका चलान अदालत ने. अब फैसला अदालत ने करना है. अब 27 DSP को करप्शन पे सस्पेंड किया, हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया. सलाहुद्दीन वाले वाक्य में तहकीकती रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया, मुल्जमान को गिरफ्तार किया
जुडिशियल कमीशन बनाया, फिर मैं कह रहा हूं दिस इज नॉट एनफ। हमें इन काली भेड़ों का, जिनको 70 साल, जिन लोगों की परवरिश इस माफिया ने अपनी लूटमार को बचाने के लिए, सियासी क्यादतों को पोलिटिसाइज करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने बनाया। अभी मेरी बहन जो हिना परवेज है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि भाई आप एक साल पहले तक तो 3 बारियां लेकर आए, क्यों नहीं ठीक किया था आपने इस पुलिस को, जो 2500 पुलिस आपकी रायबंद की हिफाजत करती थी। आज फिर मैं कह रहा हूं हम जवाबदेह हैं, इंशाल्लाह यही पुलिस होगी। एक मिनट हिना प्लीज यही पुलिस होगी केपी में। केपी में एक मिनट, पार्टीज जो रही हैं प्लीज हिना प्रवेश बादशाह बात नहीं सुन रहे, मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें। जी कीजिए सर, उसके बाद ब्रेक लेनी है सर। केपी की पुलिस को दुरुस्त किया, केपी के लोगों ने मौका दिया। हम भी ये समझते हैं कि अगर इन माफिया की तरह, इन चोरों और डाकुओं की तरह हमने इदारों को दुरुस्त ना किया, पुलिस को ठीक ना किया, रिफॉर्म्स ना की, तो लोग हमसे भी तवक्कुआ छोड़ देंगे। सो मेरे भाई, किसी के हाथ में जीगड़ सिंगी नहीं है कि 70 साल का गंद एक साल में साफ कर दे। फिर भी मैं कहता हूँ ये जो वाकियात है हमारे लिए चैलेंज है, इन मुल्जमान को इबरत का नाम बिल्कुल सजा होनी चाहिए। ठीक है, चलो बस हमें ब्रेक लेते हैं। हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसके हल की तरफ जाएंगे कि हल क्या है, और फिर खुर्शीद शाह साहब की जो गिरफ्तारी है उस पर भी बात होगी। लेकिन उससे पहले हमें लेनी है ब्रेक, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। नाज़िम ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आमिर हसन साहब, वक्फे पे जाते हुए आपने शौकत बसरा साहब की उनकी जो सजेशंस थी कह लें, या उनका डिफेंस टू बी मोर अप्रोप्रिएट आपने सुना, आपकी राय में इस तरह के इश्यूज को वंस एंड फॉर ऑल सेटल करने के लिए क्या हल है, सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूशन जो मैं आज प्रोग्राम से पहले सोच रहा था कि क्या हो सकता है, वो मेरे जिन में आता कि शायद कम्युनिटी पुलिसिंग की जाए तो उससे कोई बेहतरी आ जाए। बहुत सारी चीज़ें देखिए जी, अभी तो आपको एजुकेट सोसाइटी को, जैसे हिना साहिबा ने कहा, वो करना पड़ेगा, बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा, पेरेंट्स को करना पड़ेगा, सोसाइटी को करना पड़ेगा, ये तो फर्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद आपको इसे क्राइम को रोकने के लिए बिल्कुल ऑब्वियसली पुलिस को अपना एक इफेक्टिव रोल और प्रोएक्टिव रोल, हम हमेशा कोई जब हादसा हो जाता है तो उसके बाद जो आपने स्टार्ट में कहा कि रिएक्टिव हैं हम लोग, हमारे पूरे इदारे को, हमें प्रोएक्टिव रोल को करना है। फिर कसूर का एरिया और ये सारा डिस्ट्रिक्ट या ये डिवीजन जो है, या यहाँ पे बड़ा ये पहले भी आया है और इंटरनेशनली एक हम एक इशू को देख रहे हैं कि यहाँ से मुंसलिक उसे किया जा रहा है, तो इसे तो गवर्नमेंट को बड़ा सीरियसली, चाहे प्रीवियस गवर्नमेंट थी या मौजूदा गवर्नमेंट है, इसे भी देखना है। और गवर्नमेंट से हट के हमारे दूसरे इदारों को भी, गवर्नमेंट सिर्फ वुजरा तक महदूद नहीं होती है, गवर्नेंस में आपके वो लोग जो हमेशा हुकूमत में रहते हैं वो आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आपके ऑफिसर्स होते हैं, तो इन इदारों को अपना रोल प्ले करना है, तो ये तो बहुत जरूरी है। ये काफी है डीपीओ को फारिग कर देना, ये तो एक पोलिटिकल, देखिए ये पॉलिटिकल है, कल तक ये नजर में किसी बड़े को भी, किसी बड़े को भी फारिग करना होगा। कल तक ये काम अगर शहबाज शरीफ साहब करते थे तो पीटीआई वाले कहते थे ये शोबाजियां हैं। अच्छा, आज इनका वजीर आला भी तारुफ करवाता है कि मैं लाहौर में शहबाज शरीफ की जगह पे लगा हुआ हूँ और काम भी शहबाज शरीफ वाला करने की कोशिश करता हूँ, अलग कर नहीं सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। लेकिन आपकी नजर में क्या कोई बड़ा नाम, बड़े नाम को भी किसी को फारिग करना होगा? बड़े नाम को जो ये मुतालबात किया करते थे अपोजिशन में, अब काम करें ना। देखें, अब 1.25 साल के बाद तो मैंने पहले कहा कि अब ये रुदालियों वाला स्यापा करना छोड़ दें, अब अपनी परफॉर्मेंस तो बताएं ना, ये कह देना। देखें, इतनी हद है इन लोगों की कि बैठ के कह देना चोर डाकू। भाई, एक भी हमारे किसी पार्टी के बंदे को कोई सजा नहीं हुई है, मेरे किसी वर्कर से लेके ऊपर लीडरशिप तक को कोई जेल से हमें करप्शन के ऊपर पकड़ना तो इनका काम है। ये पकड़ तकड़ की तरफ अभी आते हैं। मैं एक जरूरी चीज है, और मेरे ख्याल से बसरा साहब को ऐसे नहीं करना चाहिए। बसरा साहब अपने आखिरी दिन तक आसिफ अली जरदारी के लिए कुरान की कस्में खाया करते थे कि वो बड़े पाकबाज हैं, तो खुदा को अपनी, आप खुदा के पास तो एक ही दफा जाना है, ये कोई क्रिकेट की दो पिचें तो नहीं है, आकिबत तो एक ही दफा है, झूठ बोलें या सच बोलें, जुबान भी वही है, मुंह भी वही लेके जाना है अल्लाह के पास, करतूतें भी वही लेके जानी है, तो इंसान को इतना बदजुबाना हो के, इतना नगल्ला हो के नहीं रब के पास जाना। आप अभी यार कल तक तो जब तक हमारे साथ थे आसिफ अली जरदारी के लिए आप काबे जाके कस्में खाते थे, तो आज क्या हो गया भाई? ठीक है, आप नौकरी करें लेकिन अपने तो ऐसे ना किया करें, अच्छा नहीं लगता। जी हिना साहिबा, आपकी नजर में किसको क्या करना चाहिए, किसको फारिग किया जाए ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि देखें इनाफ इज इनाफ,
we've set this example for everybody else as well to follow. देखिए पहले तो मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा गैंग एग्जिस्ट करता है जो ऐसे कामों में मुलव्वस है तो हमें मैक्सिमम अपनी कोशिश करनी चाहिए कि उस गैंग को हम वाइप आउट करें. फिर इसके अलावा जो अगर लॉ एग्जिस्ट करे या जो लॉ इंट्रोड्यूस करना चाहिए हमें उसको मैक्सिमम हमें क्रिमिनलाइज करना चाहिए कि हम एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट सेट करें. जैसे जैनब केस में एक हैंगिंग हुई, लेकिन अगर इस तरह के कोई भी लोग जो बच्चों की पोर्नोग्राफी में पब्लिक हैंगिंग हो, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हो, उनको मीडिया ट्रैश हो, उनको सोशल मीडिया पर ट्रैश हो, उनकी फैमिली में कम्यूनिटी में उनको इतना जलील किया जाए और पब्लिकली हैंग किया जाए कि वो लोगों को पता चले कि हमें ऐसे नहीं करना. सेकेंडली शायद ये भी हो सकता है कि शायद कोई हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस वहाँ की इतनी ख़राब हैं कि लोगों को इस तरह के बिहेव करने पड़ते हैं, तो हम इसको ओवरऑल बड़े लेवल पे भी देखें कि पब्लिक हैंगिंग इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि ये कम्युनिटी पॉलिसी की जरूरत है, बच्चों की जरूरत है, उनको सिखाने की जरूरत है कि आपको किसी ऐसे बंदे के साथ नहीं, जैसे जैनब का केस था कि इफ यू डोंट नो समबडी, अननोन हो, उसके साथ ना जाए. और इसमें हमें मीडिया के लिए भी अवेयरनेस कैंपेन चाहिए. इसी तरह अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चे हैं और उनकी वीडियो बना ली है तो वो ब्लैकमेल ना हो. ठीक, आई एग्री विद यू. क्योंकि और इस पे एक और चीज ये भी होनी चाहिए, शौकत बसरा साहब आपकी तरफ आते हैं कि इस पर अगर कुछ ऐसी चीज सोची जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से तो वो सिर्फ टेम्पररी ग्राउंड्स पे नहीं होना चाहिए कि कुछ अर्से के लिए चलाया कैंपेन चलाया खत्म कर दी, बहुत लोग एक्सप्लॉइट उसको जरा लॉन्गर रन में भी चलाना चाहिए ताकि ये कैंपेन चलती रहे. जी शौकत बसरा साहब. अली मुमताज आप बहुत चुके अहम इश्यूज को हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन एक जाती बात मेरे मुतल्लिक की गई, मैं उसका जवाब दे लूं. पहली बात तो ना मैं चोर हूं ना चोर का साथी हूं, और चोर का साथी चोर होता है जो चोरों को डिफेंड करता है. मैं आखिरी वक्त तक पीपल्स पार्टी में था, मैं उस वक्त भी जरदारी साहब की करप्शन को कभी डिफेंड नहीं करता था. बाद में जब मैं पार्टी छोड़ के इधर आया हूँ, ये गोले वाला, पापड़ वाला, टीटी वाला तो अब आए हैं. मुझे तो उस वक्त नहीं पता था कि कैसे पैसे ट्रैक, और मैं समझता हूँ कि आज जो लोग इनको डिफेंड कर रहे हैं इसका मतलब है वो सबसे बड़े चोर हैं, सबसे बड़े डाकू हैं. इसका मतलब ये है कि उनके अपने मुफादात हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं. और बिल्कुल सही बात कही कि अल्लाह के पास सबने जाना है और अल्लाह के पास अपना हिसाब किताब कराना है. वहां पे ये नहीं होना मन रबों का, आपने ये नहीं कहना कि मरा रब जिम्मेदार, वहां रब एक ही है. इसलिए भाई इतना झूठ बोले कि आपको घर जाके भी बेचारा वो जमीर होता है ना बंदे का, वो रात को जब सोता है तो बंदा कहता है यार सिर्फ एक मैं अपनी सियासत के लिए और पार्टी के लिए किस तरह मैं झूठ बोलता हूँ, झूठे आदमी का साथ देता हूँ, खुद भी चोर हूँ और चोर का साथ देता हूँ. अब दूसरी बात यह है अली मुमताज जी कि जहां तक आपने बात कही क्या होना चाहिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि हमें इदारों को जो इदारे जो हैं इनके अंदर बेहतरी किस तरह, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट पुलिस की बात करते हैं जी, यहां पे ट्रेनिंग की जरूरत है, इनके माइंडसेट को बदलने की जरूरत है, इनकी एजुकेशन. यही आर्मी है, फौज देख ले वहां पे भी सिपाही होता है लेकिन वो डिसिप्लिन के अंदर होता है, डिसिप्लिन का पाबंद होता है. बिल्कुल ये अभी हिना ने अच्छी बातें की कि हमने आपने कम्युनिटी वाली बात की, आपने अवेयरनेस की बात की, तालीम की बात की, लेकिन हमें इस इदारे को खास तौर पे जो काली भेड़े इनके अंदर बहुत सारे अच्छे लोग भी मौजूद हैं और अच्छे लोग जो हैं वो अब जो बार बार मैं कह रहा हूं उसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरी करें, लेकिन हमें शायद उतनी कामयाबी अभी नहीं मिल रही है. बिल्कुल सही है शौकत बसरा साहब, बात को आगे बढ़ाते हुए सीएम साहब की भी कुछ स्टेटमेंट आनी चाहिए, सिर्फ पीएम साहब की नहीं सीएम साहब की भी स्टेटमेंट आनी चाहिए थी. राजा बिशारत साहब को नहीं, सीएम साहब को जाना चाहिए था, उनको नजर आना चाहिए फील्ड में, ना कि ये कि अपने आरामदेह ऑफिस में बैठकर वहां पर एक से दूसरे तीसरे ऑफिस, माशाल्लाह ऑफिसेज भी बहुत से हैं वहां पर जाते रहे और बस इसी तरह से मामला चलते रहे. आप लोगों ने आज खुर्शीद शाह साहब को भी पकड़वा दिया. हाँ ये बात मुझे पता था कि इस टॉपिक पे पाएंगे. पहली बात तो अली मुमताज आज दो खास तौर पे मैं नाम लूंगा, सैयद खुर्शीद शाह साहब का और शायद खाकान अब्बासी साहब का. ये वो दोनों हैं जिन्होंने चेयरमैन नैब का इंतखाब किया जस्टिस जावेद इकबाल साहब का, और दोनों ने अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ मुशावरत से किया. आज वो सारा का सारा वो दोनों जो टब्बर हैं वो भी अंदर हैं और ये दोनों भी चले गए. तो इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि बात इनको करनी ही नहीं चाहिए. और दूसरी बात अली मुमताज आपको याद होगा मियां शहबाज शरीफ, राणा सनावला और चौरी निसार क्या कहते थे पार्लियामेंट में खड़े होकर, क्या क्या इल्जाम लगाते थे सैयद खुर्शीद शाह साहब के ऊपर, वो आपको भूल गए हैं. अब मैं इस बात पे आता हूं, आपने कहा आपने पकड़वा दिया,
نیب وہ ادارہ ہے جو بنایا تھا پرویز مشرف نے، بالکل میں مانتا ہوں کہ اس نے، وہ ایک عامر تھا، اس عامر نے اپنے مقاصد دار کے لیے بنایا، لیکن یہ دونوں پارٹیاں 10 سال حکومت میں رہی، کیوں نہیں انہوں نے تبدیلی کی قانون کے اندر، ٹھیک ہے، کیوں نہیں وہاں پہ آئینی طرح وقت کا میں عامر حسن صاحب کی بھی رائے لے لیں جی عامر حسن صاحب جی دوسری بات ہم نے جو نیب ہے، نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں بے گناہ ہے بھائی، سپریم کورٹ یہاں سے 10 منٹ دور ہے، کل جائیں سارا ریکارڈ، ٹھیک ہے جی عامر حسن صاحب کی طرف آتے ہیں، میں نے تو اس لیے کہا کہ آپ نے پکڑوا دیا کیونکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کہتے رہتے ہیں چھوڑوں گا نہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو اس لیے میں نے کہا کہ شاید آپ نے وہی، اور بات یہ کہیں بھی جاتی ہے کہ پکڑوا دیا، کسی چور ڈاکو کو نہیں چھوڑوں گا، جی عامر حسن صاحب وہ کہتے ہیں کسی چور ڈاکو کو نہیں چھوڑوں گا، ہاں نہیں وہ چھوڑیں گے چور ڈاکو کو، ایک چور کو انہوں نے بلکہ ڈاکو کو، جسے سپریم کورٹ نے ڈاکو ڈکلیئر کیا ہے، وہ ترین جو ہے اسے انہوں نے پرائم منسٹر بنایا ہے، اور ان کی بہن جس نے مانا ہے کہ میں چور ہوں اور اس نے فائن دیا ہے، اسے بھی کچھ نہیں کہیں گے، اور بہت سارے چور، دیکھیں انکوائری کی سٹیج پہ اگر آپ نے اریسٹ کرنا ہے اپوزیشن کے ممبرز کو، تو پھر عمران خان پہ بھی انکوائری ہے، پھر اعظم خان پہ بھی انکوائری ہے، خٹک پہ بھی انکوائری ہے، رضا داؤد پہ بھی انکوائری ہے، علی زیدی پہ بھی ہے، فردوس اشکوان پہ بھی ہے، پرویز الہی پہ بھی، اور ایک لمبی لسٹ ہے، 90-95% انہیں بھی ایک نیب کا لیٹر آیا ہوا ہے میرے خیال سے چند دن پہلے، یہ سارے اپنے کالے کرتوت بچانے کے لیے ادھر گئے ہیں۔ میں دیکھیں بات یہ ہے کہ آج خورشید شاہ صاحب کے بارے میں مجھے بڑی، خورشید شاہ کا ایک قصور یہ ہے کہ وہ دھرنے میں ساتھ نہیں تھے، دوسرا قصور یہ ہے کہ جب عمران نازی پیچھے نکر میں لگ کے کھڑا ہوتا تھا، اور اس وقت وہ قیادت پہ ایمان لایا ہوا تھا خورشید شاہ صاحب کی، پچھلی یہ جو اسمبلی تھی جب خورشید شاہ صاحب نے انہیں اسمبلی میں دوبارہ رکنیت دلوائی تھی، انہیں ان کی ساری تنخواہیں واپس دلوائی تھی، جب یہ پھر ایک دفعہ تھوکا چاٹ کے آئے تھے جسے یہ یو ٹرن کہتے ہیں، اسمبلی کی رکنیت واپس لی تھی، اور میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں، خورشید شاہ صاحب سے میرا بھی احترام کا تعلق ہے، ہم ان کے جب جاتے ہیں سندھ میں تو ہم، لیکن ہم ہاتھ ملاتے ہیں، لیکن آج یہ جو حضور باتیں کر رہے ہیں، یہ گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے تھے کہتے ہیں، تو تصویریں بھی موجود ہیں، تو ایسے شخص بات کرنے سے پہلے، میں نے وہی کہا تھا کردار بڑی چیز ہے، ایک جملے کا وقت بچا ہے، کسی کو زمین کی بات کریں گے، بد کردار ہے، کسی ایک جملے کا وقت بچا ہے جی، پروگرام کٹ ہو جائے گا جی، حیران ہوتے ہیں، توبہ استغفار، کشمیر کی میٹنگ تھی، نیشنل میٹنگ تھی، اور اپوزیشن نے اس میں شرکت کی، اور پی پی کے لوگ وہاں تھے، ٹھیک ہے جی، ایک جملہ جی سر، ہمیں کلوز کرنا ہے پروگرام، علی ممتاز میں نے پہلے بھی کہا تھا چور کا ساتھی چور ہوتا ہے، اس لیے چور زیادہ اونچی بول رہا ہے، دوسری بات شوکت بسرا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ لیٹس ہوپ کے آنے والے دنوں میں حالات بہتر ہوں گے اور گورنمنٹ کی جو گورننس ہے وہ بہتر ہوگی، یہی ہمارا فوکس اس ہفتے میں پروگرامس میں رہا ہے، اور آگے بھی اگر یہ ایشوز رہیں گے تو ہم اسی طرح سے پروگرامز اس پہ کرتے رہیں گے جب تک یہ ایشوز ریزالو نہیں ہو جاتے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے، ہم اس کو نبھانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے انانے کے بعد